एक बार की बात है, एक आदमी भेष बदल कर देश भ्रमण करके लोगों के अंदर की अच्छाई और बुराई का पता करने के लिए निकलता है। तभी वो एक गांव में पहुंचता है और देखता है कि एक आदमी बीच चौराहे पर मरा पड़ा है, लेकिन उसके शव को उठाकर कोई उसके घर पर संदेश देने को तैयार नहीं है, बल्कि सभी वहाँ पर खड़े होकर वीडियो बना रहे, बाकी लोग अपने काम में बिजी है। ये कैसे लोग है जो एक मरे हुए आदमी को कंधा देने को भी तैयार नहीं है? अरे भाई साहब, यहाँ पर कोई इस आदमी की मदद क्यों नहीं कर रहा है? अरे बड़ा अजीब आदमी है, किसी और से पूछता हूँ। अरे भाई साहब, ये आदमी जो मरा हुआ है ये कौन है? क्या आप बता सकते हैं कि इसकी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा? अगर इतना ही करमवीर बनना है तो जाओ खुद ही मदद करो, पड़े आए। फिर वो आदमी भी वहां से चला जाता है। फिर नंदू तीसरे आदमी के पास जाता है। अरे भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये आदमी जो मर गया है ये कौन है? आखिर इसकी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा? अरे भाई क्या बताऊं, बड़ा हरामखोर आदमी था, दुनिया के हर ऐप थे इसके अंदर। गांव में इसका करैक्टर बहुत ही गिरा हुआ था, इसलिए कोई इसकी लाश को हाथ नहीं लगा रहा, कोई इसके आसपास भटकना भी नहीं चाहता, कंधा तो दूर की बात। अरे अरे अरे, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। वैसे क्या तुम इसके घर का पता मुझे बता सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तीन गली छोड़कर राइट लेना, वही इसका घर है। धन्यवाद भाई, इसका पता बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नंदू मरे हुए सुरेश की लाश लेकर सीधे उसके घर पहुंचता है, और जैसे ही बीवी सुरेश की लाश देखती है वो फूट फूट के रोने लगती है। अरे अरे बहन जी, रोइए मत, वैसे क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए। मैंने बाजार में सुना है कि आपके पति एक बहुत बुरे इंसान थे, लेकिन आप जिस तरह इसके शरीर से लिपट कर रो रही हैं, इससे तो मुझे कुछ और ही प्रतीत होता है। क्या आप बता सकती हैं कि आखिर सच क्या है? भाई साहब, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और बस लोगों का देखने का अपना नजरिया होता है। दुनिया को एक पहलू पता है, उनको क्या मालूम कि मेरे पति कितने अच्छे थे। अगर मैं जीवन भर इनके चरणों की पूजा करूं, वो भी कम है, ये इतने नेक दिल थे। वो कैसे? ये रोज शराब के ठेके पर जाते थे और एक बोतल शराब खरीद कर लाते थे और उसे लाकर नाली में बहा देते थे, और जब मैं पूछती थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो ये एक ही बात कहते, अगर इस बोतल शराब से मैं किसी का घर तबाह होने से बचा रहा हूँ तो ये मैं रोज करूँगा जब तक मेरी क्षमता है। वही ये रोज एक कोठे पर जाया करते और वहाँ की नाचने वाली औरत को पैसे देकर कहते, ये लो पैसे, और अगर कोई आए तो दरवाजा ना खोलना, मैं कल फिर से तुम्हें पैसे देने आऊंगा। एक लड़की की आबरू से ज्यादा दुनिया में कोई भी चीज कीमती नहीं है, मैं जब तक तुम्हें बचा सकता हूँ मैं बचाऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इसी तरह वो रोजाना किया करते थे, और जब मैं उनसे पूछती कि आप ये सब क्यों करते हो, बदले में आपको संसार में सिर्फ बुराई के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा, छोड़ दीजिए ऐसा करना, वरना कोई आपके मरने के बाद कंधा देने तक वाला नहीं होगा। अरे पगली, तू चिंता ना कर, ये दुनिया क्या कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो भगवान देख रहा है मेरे कर्म, है ना? कोई कंधा दे ना दे, मेरे मरने के बाद स्वयं उस काल के सबसे बड़े नेता मुझे कंधा देने आएंगे जिस सदी में मैं मरूंगा। बस वो ऐसे ही थे। ये सब जानकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सही कहते थे तुम्हारे पति, मैं इस सदी का सबसे बड़ा नेता ही हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो बस अपने देश की समस्या और लोगों के अंदर की अच्छाई और बुराई जानने आया था, और मुझे एक सीख मिल गई। अब तुम चिंता न करो बहन, मैं पूरे रीति रिवाजों के साथ तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार करवाऊंगा। उसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी सुरेश का अंतिम संस्कार करवाते हैं और कांति के जीवन आवास के लिए सुविधा कराते हैं, और सुरेश को मरने के बाद भी सम्मान दिलवाते हैं जिससे लोग सुरेश की अच्छाई से अवगत हो सकें।